इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्पेन टी10 के दोस्तों आज के मैच नंबर 1 के बारे में। स्पेन टी10 का दोस्तों आज का मैच नंबर 1 ना आपका CJG और दोस्तों RB टीम के बीच खेला जाएगा। यह मैच दोस्तों ध्यान रखिएगा दोपहर के 1:15 से स्टार्ट होगा, ठीक ना। इस मैच के रिगार्डिंग दोस्तों आपको इस वीडियो में सबसे पहले तो दोस्तों आपको दोनों टीमों के ने सभी प्लेयर का स्टैट्स में शेयर करूंगा और स्पेशली दोस्तों ज़्यादा फोकस आप CJG टीम पे भी कीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये टीम ना अपना फर्स्ट मैच खेल रही है इस पूरे टूर्नामेंट का। RB की टीम दोस्तों ऑलरेडी 2 मैच खेल चुके हैं इस टूर्नामेंट का, तो इनके सभी प्लेयर का आपको नॉलेज होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस टीम पे, ठीक ना। और इस वीडियो में स्टैट्स के साथ साथ मैंने ये भी आपके साथ शेयर किया है कि किस 11 प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करना है, कौन से प्लेयर दोस्तों आपके लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर बन सकते हैं, क्योंकि इस मैच में ना ट्रम्प कार्ड प्लेयर दोस्तों फिर से बता रहा हूँ भरे पड़े हुए हैं, जिनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है। ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे, बॉलिंग सेक्शन में मिलेंगे, तो यदि दोस्तों आप इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वीडियो को फोकस से साथ देखिएगा, सभी प्लेयर का स्टैट्स को समझिएगा, ट्रम्प कार्ड प्लेयर को पिक कीजिएगा और उस सबको ध्यान में रख के अपना कॉम्बिनेशन बनाइएगा। मैंने अपना भी दोस्तों कॉम्बिनेशन भी स्मॉल लीग का आपके साथ वीडियो में आगे शेयर कर दिया है। यदि उस टीम में सभी प्लेयर खेले तो आप डेफिनेटली उस टीम के साथ जा सकते हैं, यदि कोई प्लेयर नहीं खेलता है ना तो मैंने ऐसे आपको स्टैट्स दे दिया है, लेकिन मैं आपको फिर से आपको एक बार टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कॉम्बिनेशन, ठीक ना। तो आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का इसी टूर्नामेंट का नेक्स्ट मैच का रहेगा, जो दोस्तों दोपहर के 3:15 से स्टार्ट होगा, तो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं CJG और दोस्तों RB के मैच में कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, साथ ही साथ दोनों टीमों के दोस्तों हम लोग सभी प्लेयर का स्टैट्स पे भी फोकस करेंगे और उस स्टैट्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम लोग अपना एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे इस मैच के लिए। चलिए वीडियो हम दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा एस नाजीर का, जो ओपन बैटिंग करने आएंगे। अभी तक टूर्नामेंट में 2 मैच खेले, फर्स्ट मैच में 40+ स्कोर किए थे, सेकेंड मैच में जल्दी आउट हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ 16 रन ही स्कोर कर पाए थे, बट स्टिल दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो, अच्छे प्लेयर है, ओपन बैटिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट एज अ विकेट कीपर भी प्रोवाइड करते हैं। जो दोस्तों सेकेंड ऑप्शन है ना विकेट कीपिंग सेक्शन से, नाम आपको नीचे मिलेगा एफ सोहेल, सिर्फ 8% सिलेक्शन है, लेकिन दोस्तों आपका बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड प्लेयर बन सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एक ऑलराउंडर प्लेयर है, यदि ये विकेट कीपिंग नहीं करता है तो आपको 2 ओवर का कंप्लीट बॉलिंग करके देगा। रिकॉर्ड आप इनका देखो तो भाई ने 42 मैच खेला है टी10 में, जहाँ पे बैटिंग से ही 621 रन स्कोर किए हैं और इस 42 मैच में बॉलिंग से भी दोस्तों इन्होंने 28 मैच में बॉलिंग किया था, जहाँ पे आपको 19 विकेट प्रोवाइड भी किए और 46 ओवर का कंप्लीट बॉलिंग भी किया है। तो एफ सोहेल पे ध्यान रखना, यदि ये दोस्तों विकेट कीपिंग नहीं करता है तो हाई चांस ये बॉलिंग करेगा, ठीक ना। और बैटिंग से भी रिकॉर्ड दोस्तों बहुत ही इनका शानदार है। फिर आ जाइए दोस्तों बैटिंग सेक्शन, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन एन कुरेसी का मिलेगा, जो दोस्तों ओपन बैटिंग भी करेंगे, साथ ही साथ आपको 1 से 2 ओवर बॉलिंग भी करेंगे। टूर्नामेंट के फर्स्ट मैच में 2 ओवर इन्होंने कंप्लीट बॉलिंग किया था, बट सेकेंड मैच में पता नहीं दोस्तों इन्होंने 1 सिंगल ओवर भी बॉलिंग नहीं किया, बट स्टिल दोस्तों काफ़ी अच्छे प्लेयर है, ओपन बैटिंग कर रहे हैं, आप टीम में लेके दोस्तों जा सकते हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको युजमान का ऑप्शन मिलेगा, जिनको आपको ट्राई नहीं करना है। दोस्तों ए सुल्तान खेलते हैं तो ऑलराउंडर प्लेयर है जरूर, लेकिन बहुत खास दोस्तों इनका रिकॉर्ड नहीं है, और इन्होंने जो रिसेंटली मैच भी खेला है T20 में, वहाँ पर भी एवरेज ही इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। लास्ट इनका 4 मैच देखे T20 में, तो वहाँ पे बैटिंग से 32 रन, बॉलिंग से आपको 1 विकेट प्रोवाइड किए हैं, तो इसी वजह से आप इनको भी ड्रॉप कर सकते हो। रखना हो दोस्तों नीचे से एम इकबाल को लेके जाओ, बहुत कमाल का दोस्तों बैट्समैन है, सिर्फ 20 मैच में ही दोस्तों इन्होंने T10 के 654 रन स्कोर कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, मस्ट इंपॉर्टेंट पिक, ठीक ना। एम इकबाल ड्रॉप नहीं कीजिएगा। नीचे दोस्तों आपको ए हासिफ का ऑप्शन मिलेगा, जो 8 मैच के लिए T10 में, जहां पे बैटिंग से 41 रन स्कोर किए, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। नीचे ए हैदर दोस्तों प्ले भी करे तभी दोस्तों आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। मेनली दोस्तों बैटिंग सेक्शन से जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, एन कुरेसी, एम इकबाल, ये दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
और यदि थर्ड ऑप्शन किसी को आप ट्राई करना चाहते हो ना, तो एकदम दोस्तों आप नीचे आइएगा, मैं एक और ट्रॉम कार्ड प्लेयर आपके साथ शेयर करूंगा। नाम है दोस्तों इनका एम उमर वकास। सिर्फ सिलेक्शन देखिए दोस्तों 0.7% सिलेक्शन, बट बहुत अच्छा दोस्तों बैट्समैन है। टी टेन में इन्होंने 33 मैच खेला है, जहाँ पे दोस्तों 33 मैच में बैटिंग से इन्होंने 301 रन स्कोर किया है, ठीक ना। और रिसेंट मैचों में दोस्तों इन्होंने T20 में ना बॉलिंग भी किया है। जो लास्ट ये 5 मैच खेले T20 में, वहाँ पे बैटिंग से आपको 121 रन और बॉलिंग से दोस्तों आपको 3 विकेट प्रोवाइड किए हैं। तो इस प्लेयर पे दोस्तों ध्यान रख सकते हैं, ठीक ना। इनका स्टैट्स था इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। ऊपर से यदि कोई न्यू प्लेयर खेलता है तो मैं उनका स्टैट्स आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। आ जाइए दोस्तों इधर ऑलराउंडर सेक्शन। तो ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा एस कुरेशी का, जो दोस्तों आपको 2 ओवर बॉलिंग भी करेंगे, फर्स्ट राउंड बैटिंग भी करने आ जाएंगे। अभी तक भाई ने 2 मैच खेला है टूर्नामेंट में, दोनों मैच में दोस्तों बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। कैप्टन ऋषि के लिए भी दोस्तों एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, ड्रॉप दोस्तों आप इनको नहीं कीजिएगा। फिर नीचे दोस्तों आपको जी हुसैन का ऑप्शन मिलेगा। जी हुसैन के साथ दोस्तों एक डिसएडवांटेज क्या है ना कि ये रेगुलर बॉलिंग नहीं करते हैं। अब जैसे दोस्तों टूर्नामेंट का जो फर्स्ट मैच इन्होंने खेला, वहाँ पे 1 ओवर भी इन्होंने बॉलिंग नहीं किया। सेकेंड मैच में आपको 1 ओवर बॉलिंग किए और आपको 1 विकेट प्रोवाइड किए। सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, आप सेफ जाना चाहते हो रख सकते हो, मैं अभी इनको नहीं रख रहा। फिर नीचे दोस्तों आपको टीम अजीर का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों आपको सेकेंड नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, बॉलिंग दोस्तों करेंगे नहीं, आप दोस्तों ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि इस मैच में ना बहुत कमाल के ऑप्शन दोस्तों मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। अब नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा डब्लू अब्बास का। डब्लू अब्बास दोस्तों T10 में 21 मैच खेले, जहां पे दोस्तों 21 मैच में बैटिंग से 441 रन स्कोर किए और वहीं दोस्तों बॉलिंग से आपको 21 विकेट प्रोवाइड कर चुके हैं, मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक दोस्तों। फिर नीचे आपको एस सलीमदार का ऑप्शन मिलेगा, ये भी दोस्तों मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है। इन्होंने तो बहुत अच्छा है इस साल 2023 में भी परफॉर्मेंस किया है। इस साल देखे तो इन्होंने 20 मैच खेला और उस 20 मैच में बैटिंग से 492 रन और बॉलिंग से आपको 17 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको एम गुलाम का ऑप्शन मिलेगा। गुलाम दोस्तों आपको मेनली बॉलिंग ही करके देंगे, 9 मैच खेले T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 49 रन और 9 मैच में दोस्तों 15 ओवर बॉलिंग करके 9 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों वाई अली अनदर मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक, यदि टॉप ऑर्डर में दोस्तों बैटिंग करता है तो मैं नहीं बोलूंगा ड्रॉप करने के लिए। हाँ, यदि ये नीचे दोस्तों बैटिंग करने आए ना तो फिर ड्रॉप कर देना, क्योंकि ये बॉलिंग दोस्तों इस साल इन्होंने बहुत कम किया है, लेकिन टॉप ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस साल इन्होंने 15 मैच खेले T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 165 रन और 15 मैच में बॉलिंग से 5 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट प्रोवाइड किया। जैसा मैंने बोला दोस्तों इस साल इन्होंने बॉलिंग काफ़ी कम किया है। फिर नीचे दोस्तों आपको जेड हैदर का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों T10 में ऑलरेडी 30 मैच खेल चुके हैं, जहाँ पे बैटिंग से 226 रन स्कोर किए हैं और आपको बॉलिंग से 29 विकेट प्रोवाइड किए हैं। एज अ बॉलर दोस्तों इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सिलेक्शन काफ़ी कम है। फिर नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा एस इकबाल, सिर्फ 2% सिलेक्शन है, लेकिन दोस्तों एक टॉप क्लास ऑलराउंडर प्लेयर है। आप इनका रिकॉर्ड देखो, 30 मैच इन्होंने T10 में खेला है, जहाँ पे बैटिंग से 592 रन स्कोर किया है और इस 30 मैच में बॉलिंग से भी आपको 21 विकेट प्रोवाइड किए। टॉप क्लास दोस्तों इनका रिकॉर्ड है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा खेले तो आप लेके ही जाना, ठीक ना। नीचे मैं एक और आपको ऑप्शन शेयर करूँगा, नीचे ए ताहिर का नाम मिलेगा, सिर्फ 3% सिलेक्शन, बट इनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 35 मैच इन्होंने T10 में खेला है, जहाँ पे बैटिंग से आपको 424 रन स्कोर किए हैं और 35 मैच में बॉलिंग से आपको 24 विकेट प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों इनका भी रिकॉर्ड बॉलिंग बैटिंग दोनों से अच्छा है, सिलेक्शन कम है, मैं इनको भी अभी पिक कर रहा हूँ, ठीक ना। यदि इनमें से कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो ऊपर जैसे दोस्तों मैंने आपको जेड हैदर का ऑप्शन दिया, एम गुलाम का ऑप्शन दिया, आप ये सब प्लेयर को भी ट्राई कर सकते हैं। अब आ जाइए दोस्तों इधर बॉलिंग सेक्शन। तो बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों एच हास में आपके टीम में होने चाहिए, भाई ने 2 मैच खेला है, दोनों मैच में 2-2 ओवर का बॉलिंग भी की है और दोनों मैच में दोस्तों इन्होंने विकेट भी पिक किया है 2-2। फिर नीचे आएगा एम अली का ऑप्शन मिलेगा। एम अली दोस्तों 2 मैच खेले टूर्नामेंट में अभी तक, दोनों मैच में देखो दोस्तों एम अली मेरे को बहुत शानदार विकेट टेकर बॉलर नहीं दिखे। लास्ट मैच में इन्होंने 2 विकेट ले लिया, क्योंकि ये डेथ में दोस्तों बॉलिंग करने आए थे। फर्स्ट मैच में भी बॉलिंग कंप्लीट इन्होंने 2 ओवर किया था, बट दोस्तों विकेट नहीं मिला था। सिलेक्शन आई, आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। एस सजाद एक विकेट टेकर बॉलर है, एस सजाद को दोस्तों आप लेके जा सकते हो। एस सजाद आपको 1 ओवर पावर प्ले में करेगा बॉलिंग और 1 ओवर दोस्तों हमेशा ये डेथ में बॉलिंग करने आते हैं। नीचे से और भी ऑप्शन देख ले दोस्तों हम लोग सीजे टीम के तरफ से। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको ए हमीज का मिलेगा, जो 30 मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 198 रन स्कोर किए हैं
और 30 मैच में बॉलिंग से आपको 26 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको एम आसिफ का ऑप्शन मिलेगा। एम आसिफ दोस्तों टी10 में 21 मैच खेले जहां पे बॉलिंग से आपको 21 विकेट प्रोवाइड किए हैं और कंप्लीट दोस्तों इन्होंने 38 ओवर का बॉलिंग किया है। फिर नीचे दोस्तों आपको आर आदिल का ऑप्शन मिलेगा। आर आदिल दोस्तों ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है दोस्तों। 49 मैच इन्होंने टी10 में खेला है जहाँ पे आपको 39 विकेट प्रोवाइड भी किए और कम्प्लीट 92 ओवर बॉलिंग किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको एस गैंगस्टर का ऑप्शन मिलेगा। सिलेक्शन परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 3%, बट प्लेयर दोस्तों एक नंबर है। भाई ने 35 मैच खेला है टी10 में जहां पे बैटिंग से 102 रन और 35 मैच में 31 विकेट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। सिलेक्शन काफ़ी कम है बट विकेट दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छा लिया है टी10 में। फिर नीचे से दोस्तों मैं एक और नाम आपके साथ शेयर करना चाहूँ। नीचे आपको मिलेंगे दोस्तों जी अली का। जी अली दोस्तों सिलेक्शन लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम है, बट इनका रिकॉर्ड देखें तो 14 मैच इन्होंने टी10 में खेला है जहां पे इन्होंने 10 विकेट आपको प्रोवाइड किए और कंप्लीट 28 ओवर बॉलिंग किए है। डैट मीन्स इन्होंने सभी मैचों में ना दोस्तों दो दो ओवर का कंप्लीट बॉलिंग किया है। सिलेक्शन काफ़ी कम जा रहा है दोस्तों, आप इस पर भी ध्यान रख सकते हो। तो इस मैच में देखो दोस्तों ऑप्शन आपके पास बहुत सारा भरे पड़े हुए हैं। दोनों ही टीमों के पास दोस्तों बेहतरीन प्लेयर है, बट हम लोग सभी को तो नहीं ना रख सकते हैं। तो मैं जो दोस्तों अभी कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा ना, मैंने ऐसे प्लेयर को चूज किया है जो दोस्तों ऑलराउंडर प्लेयर हो, जो बॉलिंग से भी फ्लॉप हो तो दोस्तों बैटिंग से स्कोर कर ले, यदि बैटिंग से फ्लॉप हो तो बॉलिंग से आपके लिए काम कर जाए, ठीक ना। मेनली दोस्तों मैंने अपने टीम में ऐसे प्लेयर को पिक किया है, बट यदि इस टीम में से दोस्तों कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो जिनका भी दोस्तों मैंने आपको स्टैट्स बेस्ट करके बताया उसको दोस्तों आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ऑप्शन बहुत है, कोई टेंशन नहीं लेना है इस मैच में। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ना मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, एक आपके लिए मैंने दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया ना जहां पे दोस्तों आपको GST भी पे नहीं करना होगा, साथ ही साथ सबसे बड़ा दोस्तों खुशी जहाँ पे आपको कोई TDS भी पे नहीं करना होगा। इस प्लेटफॉर्म का दोस्तों नाम है 1x11। अब देखो दोस्तों सभी प्लेटफॉर्म पे हो क्या रहा है, GST तो दोस्तों सभी प्लेटफॉर्म अब नहीं ले रहे हैं, लेकिन TDS तो दोस्तों आपका 30% लग रहा है ना, जो भी आप विनिंग करते हो वहाँ से दोस्तों आपका 30% जब काट लिया जाता है तो आई नो दोस्तों कैसा लगता है। तो आप सभी के लिए दोस्तों मैंने एक प्लेटफॉर्म लाया है जहाँ पे कोई GST आपको पे नहीं करना, कोई TDS आपको पे नहीं करना, नाम है दोस्तों 1x11। तो भाई लोग यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करके ना जितना हो सकता है उतना प्रॉफिट अर्न करो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों TDS तो नहीं लगता है, साथ ही साथ कमीशन भी काफ़ी कम है। यहाँ पे विड्रॉल भी आपको दोस्तों बहुत फास्ट मिलेगा, बोले तो सुपर फास्ट आपको विड्रॉल मिलता है। अभी दोस्तों जैसे अबू धाबी T10 चल रहा है वहाँ के लिए दोस्तों आपको एक सीरीज लीडर बोर्ड भी रखा गया है। आप देखोगे अबू धाबी का दोस्तों जो सीरीज चल रहा है उसमें भी दोस्तों आपका टोटल 4 लाख रुपए का सीरीज लीडर बोर्ड है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट करके दोस्तों और भी अपना अर्निंग इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो भी भाई लोग अभी तक 1x11 ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं भाई लोग, इसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, जाइए दोस्तों 1x11 को डाउनलोड कीजिए और अपना प्रॉफिट का जो मार्जिन है ना 30% सेव करके और उसको आप इंक्रीज कीजिए, लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट कीजिए। ऐसे ही दोस्तों आज का जो T10 का फर्स्ट मैच है स्पेन T10 का, आप इसमें भी प्ले कर सकते हो, इसमें आपको ग्रैंड लीग भी मिलेगा साथ ही साथ स्मॉल लीग भी देखने को मिल जाएगा। तो आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग जो भी आपको बेस्ट लगे वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे इसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। जी दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग हम लोग कैप्टन BC ऑप्शन, तो कैप्टन BC ऑप्शन के लिए दोस्तों देखो मेनली तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सलीम सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ओपन करेंगे बैटिंग या नीचे बैटिंग करने आते हैं। यदि दोस्तों ये नीचे आते तो फिर मैं इनको कैप्टन ना करके वाइस कैप्टन करूंगा और कैप्टन दोस्तों मैं एच कुरेसी के साथ चला जाऊंगा, ठीक ना। अनदर ऑप्शन में दोस्तों ध्यान रखना एस इक्वाल खराब ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक ना। डब्ल्यू अब्बास खराब ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये दोनों ही दोस्तों एक बहुत अच्छे प्लेयर है और दोनों को दोस्तों आप कैप्टन BC रोटेट कर सकते हैं स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में दोस्तों आप एम इकबाल पे रिक्स ले सकते हो, एफ सोएल यदि विकेट कीपिंग नहीं करता है तो ये भी दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। अभी के लिए दोस्तों आप लोग इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए दोस्तों, ठीक ना। टॉस के बाद यदि इस टीम में से कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो पहले तो दोस्तों यदि आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो जो मैंने आपको प्रेडिक्शन और स्टैट्स वीडियो में शेयर किया है उस पर मेन फोकस कीजिएगा, ठीक ना। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, यदि कोई प्लेयर नहीं खेलता है इस टीम में तो मैं आपको अपडेटेड टीम भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा।
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का ना आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम लोग का इसी टूर्नामेंट का दोस्तों आज का मैच नंबर 2 का रहेगा, तो मिस नहीं कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।